एक तो भैया इस बुड़बक का नाम नहीं लिया जाता है, फ्रांसुआ ओलां, फ्रांस का पूर्व राष्ट्रपति, और कहां मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल बना रही थी और इस बुड़बक ने भारत में ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ये क्या कह रहा है जानते हैं आप? ये कह रहा है कि जो अब तक दावे मोदी सरकार करते आ रही थी, क्या दावा था आपको याद होगा कि साहब फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट ने यह तय किया कि उसे किसके साथ साझेदारी करनी है, मगर फ्रांसुआ ओलां इसने दावा किया कि भैया हमारा कौनो रोल नहीं था, यानी कि डसॉल्ट का कोई रोल नहीं था, ये तो मोदी सरकार ने कहा कि भैया आप अनिल अंबानी के साथ कहिए, हैं? उनके साथ आप करिए। अब एक गाना याद आ रहा है हमको, अब उस गाने का इसके से कोई लेना देना नहीं है, मगर मेरी आदत है ना बीच बीच में ऐसी गाने गाते रहता हूं, मगर स्पष्ट कर दूं कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कौन सा गाना है? अमिताभ बच्चन की फिल्म का, काले राम का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस गाने का किसी से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और आप जानते हैं कि मुझे एक फिल्म याद आ रही है, आज से कई सालों पहले एक फिल्म आई थी, अंग्रेजी फिल्म थी, हैं? तो फिल्म का नाम था साइलेंस ऑफ द लैम्स, इसका अगर मैं हिंदी में तर्जुमा करूं तो बकरियों का सन्नाटा, बकरियों की खामोशी। आज बकरियां खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? क्योंकि आज साहिब की इज्जत पे आन पड़ी है। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। वो डायलॉग याद है ना शोले का आपको? तो मैं कह रहा था कि आज साहिब की इज्जत का सवाल है। तो वो तमाम बड़े बड़े पत्रकार जो दहाड़ते थे जब विपक्ष पर कोई बात आ जाती थी, हैं? ऑगस्टा और वाड्रा, वो सब खामोश हैं। अब हो सकता है भैया वीकेंड हो, वीकेंड में अक्सर इंसान थोड़ा सुस्त हो जाता है, तो उसी तरह की सुस्ती उनकी लाइफ में आ गई होगी, बेचारे खामोश होंगे, या फिर वो सोच रहे होंगे कि साहिब को कैसे बचाया जाए, कैसे किसी तरह से कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर आए, हैं? कैसे किसी तरह से कोई ऐसा मुद्दा लेकर आए जिससे एक बार फिर जनता का मुद्दा रफाल से फिर से हट जाए, हैं? भाई देखिए, मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कह रहे होंगे भाई अभिसार ये मुद्दा बहुत गंभीर है, आपको गंभीरता से लेना चाहिए, मगर यकीन मानिए दोस्तों, मैं तो न जाने कितने मुद्दों को आपके सामने गंभीरता से लाता रहा, बोलता रहा, बकैती करता रहा, गाली खाता रहा, मगर ना आपको समझ आई ना किसी और को समझ आई। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस मुद्दे को जिसे आप और हम गंभीरता से ले रहे हैं थोड़ा ट्विस्ट दिया जाए, हैं? थोड़ा सा ट्विस्ट दिया जाए बचंदवा के अंदाज में। भाई क्या करें, हमारे हीरो हैं, हमारे हीरो हैं तो उनके अंदाज में हम अक्सर अपनी बात कहते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो पूरा मामला है इसको फिर ट्विस्ट देने की तैयारी चल रही है, सोचा जा रहा है कि भैया हम कैसे कोई ऐसा मुद्दा लेकर आए कि एक बार फिर जनता सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए जैसा अब तक भूलती आई है। क्योंकि भैया जनता के लिए नौकरियां, अमन चैन, हैं? ये सब मुद्दे थोड़ा ना माने रखते हैं, जनता को तो बस यही चाहिए कि हिंदू मुस्लिम किया जाए, हैं? क्योंकि हो क्या गया है कि इस वक्त देश जो है ना वो एक न्यूज चैनल है और हम सब बिग बॉस का एक एपिसोड देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, बिग बॉस चाहते हैं कि आप इस रूम में आएं, भाइयों और बहनों, बिग बॉस चाहते हैं कि आप अपने मित्रों के साथ उस रूम में जाएं। तो आप और हम सब बिग बॉस देख रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, गालियां चल रही हैं, और हम सब इसी बात से खुश हैं, क्योंकि मुद्दे बौने पड़ गए हैं। अब कोई खुलेआम समुदायों को गाली देता है, धर्मों को गाली देता है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं उससे। हमने नफरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दिया है,
और यही वजह है दोस्तों कि हम सवाल पूछना भूल गए हैं। और यकीन मानिए, रफाल का ये मुद्दा आ गया है, हमें से कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा, हमें उससे क्या मतलब है? हाँ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो यही रफाल का भी होने वाला है। खैर, वीकेंड है, ऐश कीजिए, फैमिली के साथ मस्ती कीजिए, हम भी यही कर रहे हैं। हंसते रहिए, हंसना बहुत जरूरी है, हंसेंगे नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हैं, क्योंकि वो गाना है ना, सीने में जलन आंखों में तूफान, सा क्यों है इस शहर में हर शख्स परेशान, सा क्यों है सीने में जलन। तो सीने में जलन मत रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, देश चाहे जहां पर भी जाते रहिए, मगर आप खुश रहिए, हम भी खुश हैं। गुड नाइट।